आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं पॉलीगॉन को बनाना, जो कि पॉलीगॉन का मतलब हिंदी में बहुभुज होता है, आप लोग को पता होगा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। बहुभुज क्या है? पांच या अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। यदि इसकी भुजाएं व इनके बीच के सभी कोण समान होते हैं तो ये रेगुलर पॉलीगॉन कहलाते हैं। दूसरा पॉलीगॉन होता है इरेगुलर, जिसमें भुजाएं तो ज्यादा संख्या में होती हैं लेकिन उसका सभी कोण आपस में समान नहीं होता है और भुजाएं भी असमान होती है। जहां तक पॉलीगॉन हम लोग जो बनाते हैं या सीखने वाले हैं, उनकी भुजाओं की संख्या के अनुसार उसका नाम रखा जाता है, शायद आप लोग को पता होगा। पांच भुजाओं वाली पॉलीगॉन को हम लोग पेंटागोन के नाम से जानते हैं, जिसको कि हिंदी में पंचभुज कहते हैं। इसी प्रकार छह भुजा का नाम हेक्सागोन, सात वाला हेप्टागोन, आठ ऑक्टागोन, नौ भुजा नोनागोन, दस भुजा जिसमें हो उसको हम लोग डेकागोन कहते हैं, ग्यारह भुजा अनडेकागोन और बारह भुजा डेडेकागोन के नाम से जानते हैं। साथ ही जानकारी यह भी होना चाहिए, जैसे पेंटागोन का आंतरिक कोण 540 डिग्री पेंटागोन के लिए रखा जाता है। प्रत्येक कोण का मान की भी हम लोग बात करते हैं पेंटागोन का, वह 108 डिग्री होता है। इसी प्रकार जितने भी पॉलीगॉन हैं उसका आंतरिक कोण और प्रत्येक कोण का मान आप लोग को जानकारी रखना है। हो सकता है एग्जाम में यह पूछा जाए, वहां पे आप लोग को गलती नहीं करनी है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन बनाने के लिए सीखना। एक विधि के द्वारा हम लोग बहुत सारे पॉलीगॉन को बना सकते हैं, जो कि पेंटागॉन से स्टार्ट करके हम लोग जितने भी हम लोग को आवश्यकता है उसको हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना। कोई भी पॉलीगॉन बनाने से पहले हम लोग को उसका एक साइड मतलब एक सिरा की लंबाई हमें मालूम होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम लोग उसको डिजाइन करेंगे। तो यहाँ जो हम लोग बना रहे हैं उसका लंबाई 30 मिलीमीटर रख के हम लोग पॉलीगॉन को बनाते हैं। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन हम लोग 30 मिलीमीटर का ड्रा करते हैं। ये छोटा है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ जिससे कि समझने में सुविधा हो। यहाँ पर सबसे पहला हम लोग को इसका सेंटर पे 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करना है। यदि आप स्ट्रेट लाइन को दो भाग में बांटने के लिए जानते हैं अच्छी बात है। दूसरी विधि है 90 डिग्री का एंगल बना के यहाँ पे हम लोग को 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करना। तो चलिए इसका सेंटर पॉइंट से हम लोग 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करते हैं। फिलहाल मैं इस लाइन का लेंथ 60 मिलीमीटर रख रहा हूँ, जरूरत के अनुसार इसको हम लोग बाद में छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद पहला इस पॉइंट या इस पॉइंट दोनों में से इस सिरे का मैं नाम रख दूं लाइन का ए और बी, समझने के लिए या तो ए पॉइंट या फिर बी पॉइंट से इसको टोटल रेडियस मानते हुए आप लोग एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। इधर से भी कर सकते हैं आर्क ड्रॉ या फिर इधर से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आर्क को ड्रॉ करते हैं। पहला आर्क हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लिए, आप लोग भी यही करेंगे। किसी एक पॉइंट को इधर से बनाना चाहे चाहे इधर से बनाना चाहे वो आप पे डिपेंड करता है। इस तरह से आर्क बनाएंगे जिसका की रेडियस ये 30 मिलीमीटर होगा। दोबारा हम लोग इस सेंटर को जहां से 90 डिग्री लाइन हम लोग ने ड्रॉ किया है उसको सेंटर मानते हुए पुनः दूसरा आर्क यहाँ से फिर ड्रॉ करेंगे इस तरीका से। तो देख रहे हैं पहला आर्क यहाँ पे ड्रॉ हुआ और दूसरा आर्क यहाँ पे ड्रॉ हुआ। इसको आप पास आउट भी कर सकते हैं लाइन इधर बाहर, कोई खास बात नहीं है। इतना हो जाने के बाद अब जो यहाँ दोनों आर्क के बीच में एक डिस्टेंस दिख रहा है, इस डिस्टेंस को दो बराबर भाग में हमको बांटना है, आधा करना है। आप इसको मेजर करके बांट सकते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करने का विधि अपना के आप उसको बांट सकते हैं। फिलहाल मैं इसको मेजर करके देख रहा हूँ, ये अभी 11 है, 11 है पता चल चुका है। अब हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड करना है, तो मैं इस सेंटर से
90 डिग्री अप में 5.5 मिलीमीटर जा रहा हूँ। ये देखिए 5.5 मैंने आगे बढ़ा और ये 11 को दो भाग में 5.5 करके बांट दिया। अब जितने भी लाइंस यहाँ से बनेंगे, पहला लाइन इस पॉइंट से यहाँ पे 5.5, पुनः इस पॉइंट से 5.5 हुआ। अब जितने भी आगे हम लोग जाएंगे वह 5.5 को आगे बढ़ाते जाएंगे 5.5। तो यहाँ देखिए ये भी हम लोग का इस पॉइंट पे 5.5 का एक और बन चुका है। जितना गोन बनाना है उतना इस लाइन को हम लोग का आगे बढ़ाना होगा। आगे हम लोग जानने वाले हैं कि कौन से लाइन से कितना हमारा पॉलीगोन तैयार होता है। पुनः और हम लोग को यदि आगे ले जाना है लाइन को इस पॉइंट से, फिर 90 डिग्री ऊपर 5.5 दोबारा, इस तरह से जितना भी आपको ड्रॉ करना है आप कर सकते हैं ऊपर तक। यहां हो जाने के बाद हर एक लाइन के साथ हम लोग एक नाम रख देते हैं। स्टार्टिंग करते हैं इस पॉइंट से, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से हम लोग आगे बढ़ाते हुए हर एक पॉइंट का एक नाम देंगे। तो इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8 आगे आप 9 करना चाहते हैं 9 कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद अब जिस पॉइंट से रख के आप सर्कल को ड्रॉ करेंगे वहां से उतना गोन आपका तैयार होता है। कैसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्कल ले रहे हैं। अब हमें यदि पेंटागोन बनाना है तो इस 5 वाले पॉइंट पर, ये हमारा 4 है, ये 5 वाले पॉइंट पर रखेंगे पिन पॉइंट को और पेंसिल पॉइंट को सीधा ले आएंगे इस कॉर्नर पे। देखिए आप इस तरह से सर्कल बनेगा। 5 वाले पॉइंट में पिन पॉइंट, फिर से आप देख सकते हैं इस 5 वाला जो पॉइंट है यहाँ पे पिन पॉइंट रखेंगे और रेडियस हमारा टोटल हो जाएगा इसका यहाँ पे 30 का एक पॉइंट, और इस तरह से आप सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो देख पा रहे हैं आप जो सर्कल ड्रॉ हुआ वह इस लाइन को दोनों एंड को टच करते हुए ऊपर की ओर ड्रॉ हो रहा है। ये सर्कल नीचे ड्रॉ नहीं होगा, हर हमेशा सर्कल ऊपर ड्रॉ होता है। इतना हो जाने के बाद हम लोग को सिंपली ये 30 वाला लाइन, इस 30 वाले लाइन को हम लोग को आगे की ओर मेजर करना है। सिंपली यहां से इस पॉइंट से 30, ये लाइन 30 है सबको पता है। अब यहां से इस पॉइंट से इस सर्कल को हम लोग इसी के अनुसार 30 इधर 30 लाइन को कटिंग करेंगे और पुनः इधर भी 30 कटिंग करेंगे दो साइड। हमें पेंटागोन बनाना है तो सपोज मैं समझाने के लिए आप लोग को खींच रहा हूं। इस पॉइंट से मैंने मेजर कर लिया सपोज यहाँ पे 30 और 30 का मैंने यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर दिया पहला। इसी प्रकार इस तरफ फिर हम इस पॉइंट से 30 मेजर करेंगे इसी लाइन पर सीधा, और यहां पर हमने फिर से इस तरह से यहाँ पे पॉइंट कर दिया। तो अब इस बीच का भी गैपिंग हमारा 30 हो गया और इस बीच का भी गैपिंग हमारा 30 हो गया। अब यहां आप लोग को सिंपली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है पहला। सेकेंड इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। इसी प्रकार से आगे तक इस पॉइंट से लेके इसका सेंटर और फिर इस पॉइंट से लेकर के इसका सेंटर, इस तरह से जब आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे ये आपका पेंटागोन बनके रेडी है। और आसान तरीका से इसको हम लोग बना सकते हैं। यदि हमें सिर्फ पेंटागोन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए तो सारे लाइन को आप इरेज कर सकते हैं बन जाने के बाद। अब यदि नेक्स्ट में हम लोग को हेक्सागोन बनाना है तो आप लोगों को पता हो चुका है ये हमारा 5 वाला पॉइंट था, ये हमारा 6 वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे पिन पॉइंट को इस तरह से और पेंसिल पॉइंट को हम लोग सीधा ले आएंगे इस कॉर्नर पे पुनः, और देखेंगे एक दूसरा सर्कल ड्रा आपका इस तरह से होगा जो कि हो सकता है पहले वाले सर्कल के लाइन को टच करते हुए आगे बढ़े या हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस लेके आगे बढ़े, ये सर्कल दोबारा ड्रा हो जाएगा। सर्कल बन जाने के बाद सिंपल हम लोग पेंटागोन की तरह ही इसको ट्रीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 30 मिलीमीटर है पहले हमको पता है, और इस पॉइंट से हम लोग 30 मिलीमीटर अप करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। सपोज यहां से मैंने इस पॉइंट से 30 मिलीमीटर आगे की ओर जाने के बाद यहां पे मार्क कर दिया अपोजिट साइड, दोबारा इस पॉइंट से इस लाइन पर आगे जाते हैं
और यहाँ पर भी मार्क कर देते हैं। आप लोग जब करेंगे पूरा मेजरमेंट के साथ करेंगे, विदाउट मेजरमेंट करेंगे तो वह गलत हो सकता है। पुनः इस पॉइंट से 30 मेजरमेंट करेंगे और आगे चले जाएंगे हम लोग, जहां पे भी 30 पहुंच पा रहा है। अपोजिट साइड से फिर इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे 30, जहां पर भी हमारा 30 हो रहा है वहां पे पहुंच जाएंगे और इस तरह से मार्क हमारा इस बड़े वाले सर्कल में फिर से लग जाएगा। सेम विधि अपनाएंगे पेंटागोन के तरह, इस पॉइंट से सीधा सीधा लाइन हर एक कटिंग पॉइंट पे आपको मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना है। इस तरह से हम लोग लाइन को मिलाते जाएंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। जब आप सारे लाइन को मिला लेंगे तो देखेंगे आपका ये हेक्सागोन बनके रेडी हो चुका है। अब इसको गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यदि चाहते हैं कि आपका बना हुआ सिर्फ हेक्सागोन और पेंटागोन रहे तो सारा लाइन को आप इरेज कर सकते हैं इस तरीका से, जिसकी जरूरत नहीं हो उस लाइन को आप इरेज कर दें। तो देखिए आपका जब बन जाएगा फाइनली वो इस तरह से पेंटागोन और हेक्सागोन दिख सकता है। तो देखिए आप लोग कितना आसान है पेंटागोन और हेक्सागोन को बनाना। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम में सफलता आसानी से मिले। धन्यवाद।